बाबत उपचुनाव के लिए सीएम ने झोंकी ताकत, जनता से संवाद कर चुनाव जिताने की अपील की। टनकपुर में चलाया जनसंपर्क अभियान। खराब सड़कों के खिलाफ धरने पर बैठे हरीश रावत, हल्द्वानी में 20 सड़क धरने पर बैठे, खराब सड़कों को जल्द ठीक करने की उठाई मांग। उत्तराखंड में अब तक 10 लाख यात्रियों ने की चारधाम यात्रा, अब तक 81 श्रद्धालुओं की मौत, सरकार के इंतजाम नाकाफी। टिहरी में गंगोत्री हाईवे पर खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। हल्द्वानी में पूर्व दर्जाधारी मंत्री ने खुद को मारी गोली, पोती के साथ दुष्कर्म केस में थे परेशान, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रुड़की में नगर निगम की टीम पर पथराव, अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़के अतिक्रमणकारी, पुलिस की मौजूदगी में टीम पर हुआ हमला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान, और बात करेंगे उत्तराखंड की। डोईवाला से खबर आ रही है जहां पालिका के अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट का मात्र 1 माह के कार्यकाल के बाद ही स्थानांतरण होने के से नगर पालिका के तमाम सभासदों में जहां शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है, तो वहीं क्षेत्र के लोग भी डोईवाला के विकास को अवरुद्ध करने का आरोप शासन प्रशासन पर लगा रहे हैं। डोईवाला नगर पालिका में 10 माह के भीतर विचार अधिशासी अधिकारियों के स्थानांतरण होने से लोगों में बेहद गुस्सा है, और नगर पालिका के तमाम सभासद भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। नगर पालिका के वार्ड गौरव मल्होत्रा ने कहा कि शासन और प्रशासन को नगर पालिका में एक स्थायी अधिशासी अधिकारी देना चाहिए ताकि नगर के विकास को गति मिल सके और लोगों के काम भी प्रभावित ना हो। शासन स्तर पे जो कार्य चल रहे हैं, माननीय मंत्री जी ने कभी ट्रांसफर किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो स्थितियां पाँच महीने में हमने देखा है, 2 या 3-4 जो ट्रांसफर हो गई, क्योंकि इससे विकास कार्य बाधित होते हैं। लेकिन अब माननीय मंत्री जी का नया ये विभाग है अपना, मैं उम्मीद करता हूँ उन्होंने डोईवाला, क्योंकि वो डोईवाला के स्थानीय निवासी रहे हैं, डोईवाला के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा विकास के मामले में सोचा होगा, इसीलिए कोई नया अधिकारी आ रहा है और उनका हम स्वागत भी करेंगे। ईओ जरूरी है क्योंकि मानसून भी आ रहा है। देखिए, ईओ तो नगर पालिका के लिए एक अधिशासी अधिकारी के बिना आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वित्तीय पावर हर चीज के लिए ईओ जरूरी है। तो जो भी अधिकारी आएगा, ये शासन का अपना सिस्टम है। लेकिन मैं आगे गुजारिश करूंगा इस माननीय मंत्री जी से कि इनका जो ये नए युवा आपने हमें दिए हैं, इनका जो कार्यकाल है वो पूर्ण रूप से बढ़िया चलना चाहिए और थोड़ा लंबा कार्यकाल हो, ऐसा ना हो कि 2-4 महीने में इनका भी ट्रांसफर। खबर उत्तराखंड के लक्सर से है जहां हरिद्वार मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने रायसी में नवनिर्मित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का भी निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी को लेकर उन्होंने बताया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से कुछ डॉक्टरों की कमी थी जिसे पूरा करने का प्रयास किया गया है। हाल ही में लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 2 डॉक्टर दिए गए हैं जिनमें से 1 महिला डॉक्टर है, जबकि उनसे पूछा गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य कर्मियों को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो स्वास्थ्य केंद्र में कोई खास कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कमियां सामने आएंगी उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे, मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो इस ओर हम ध्यान दे रहे हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं हर हाल में उन्हें दी जाएंगी। करीब यहाँ का कार्यकाल अभी 6 महीने होने जा रहा है, 6 महीने में तीसरी बार मैं यहाँ आपके लक्सर ब्लॉक का विजिट किया हूँ, और दिनों दिन जो भी हमारी तीसरा विजिट में हमें पहले से इम्प्रूवमेंट यहाँ मिला है। आपके यहाँ अभी 2 डॉक्टर्स हमें भेज दिए गए हैं, 1 महिला डॉक्टर के रूप में डॉक्टर सुषमा गुप्ता एंड एक मेल के रूप में डॉक्टर अनमोल को भेज दिए गए हैं, जो जिसकी कमी हमें बताया जा रहा था बार बार यहाँ से, जो MYC का आ रहा था लेटर कि हमें डॉक्टर दे दिया गया है, और मेरे ख्याल से अब आने के बाद से और सुचारू रूप से और अच्छे तरह से चलेगा। और जो मैं अभी यहाँ का देख रहा था कि कितनी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी भी यहाँ अच्छे खासे हो गए हैं, करीब अब तक के 56 हो चुके हैं डिलीवरी, तो लक्सर ब्लॉक जो है अभी सही चल रहा है हमारे हिसाब से। जो अगर यहाँ का मापदंड देखा जाए, जितने हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे रखे हैं, उस हिसाब से लक्सर का सही चल रहा है।
साइबर कैफे की शुरू हुई खुली लूट, रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद श्रद्धालुओं को साइबर कैफे द्वारा लूटा जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। 100 रुपए से 200 रुपए तक लिए जा रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के। चार धाम यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को ऋषिकेश में ही पंजीकरण कराना अनिवार्य है। चारों धाम के श्रद्धालुओं से जो स्लॉट हैं फुल हो चुके हैं, ऐसे में पर्यटन विभाग के द्वारा निःशुल्क रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। इसके बाद साइबर कैफे की खुली लूट जारी है। श्रद्धालु जो हैं वो गुमराह हो रहे हैं क्योंकि चारों धाम में स्लॉट फुल हो चुके हैं, ऐसे में रजिस्ट्रेशन कराकर कैसे श्रद्धालु यात्रा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता बसंत कश्यप ने इस बारे में लोगों से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। जब यात्री आ चुका है, ठीक है, ऑनलाइन 100 रुपए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी? रजिस्ट्रेशन अभी के नहीं, आगे डेट के। कौन कौन से डेट का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? बता देता हूँ, बद्रीनाथ 4 तारीख, गंगोत्री 6-7 तारीख के, और केदारनाथ 14-15 का है, यमुनोत्री 26 तारीख का है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के शुल्क लेना आपको बोला गया? नहीं सर, हमारा प्राइवेट है अपना, प्राइवेट में कुछ भी कैसे ले सकते हैं? नहीं सर, ठीक है सर, 100 रुपये हमने रेट रखा है, बाकी उसकी इच्छा है कि नहीं। तो ऑनलाइन, ये तो ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन तो मोबाइल से भी होता है ना? तो होता है, मना किसी को नहीं है। कितने काउंटर लगे हैं हमारे? ये लोग कर रहे हैं, एक तीन लोग, दो यहाँ बैठे हैं, एक हम बैठा हुआ। तो रजिस्ट्रेशन का क्या, रजिस्ट्रेशन के बिना यात्री जाता है या रजिस्ट्रेशन कराकर ही जाना? नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के हम नहीं भेजते, हम रजिस्ट्रेशन को देखकर उसको लिस्ट बनाते हैं, कंडक्टर लिस्ट बनाते हैं, पूरी लिस्ट के साथ साथ तब हम रवाना करते हैं गाड़ी। बोले थे 100 रुपया लेके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि वो सही है गलत हमको तो पता नहीं ना, अंदर भी हो रहा है सही, गवर्नमेंट होना चाहिए होता है, फिर हमको पता नहीं, बोल रहे कि 100 रुपये में हो जाएगा। तो वह तो हमको आप तो पूछने गए थे, फिर वो कौन आदमी कौन हमको जा पता नहीं, वो बोले थे इसलिए मुझे। लाल कुआं का पशु चिकित्सालय अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। ये पशु चिकित्सालय इतना बीमार है कि इसको ठीक करने वाला विभाग का कोई अधिकारी नहीं है। कई सालों से पशु चिकित्सालय की हालत इतनी खराब है कि कर्मचारी और अधिकारी इस चिकित्सालय में मजबूरन बैठकर पशुओं का इलाज करने में मजबूर हैं। जिला प्रशासन और पशु चिकित्सालय के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक अस्पताल का जो है वो बेहतर नहीं हो पाया है, उच्चीकरण नहीं हो पाया है। गोविंद सिंह खाती, प्रभारी पशु चिकित्सालय का कहना है कि हमने इस बाबत अपने अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा और कहा भी कि अस्पताल का उच्चीकरण कर दिया जाए, जिससे अस्पताल में आने वाले लोगों के साथ जानवरों का इलाज करने में भी कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अधिकारी महोदय को सूचित कर दिया गया है और उनके स्तर से भी इसमें कार्रवाई हो रही है और जिला योजना में इसका बजट रखा जा रहा है और जल्दी उम्मीद करते हैं बजट एलोकेट हो जाएगा और ये जो बिल्डिंग है इसका रिनोवेशन होगा। कभी कुछ महसूस होता है ऐसा कि डर रहता है कि नीचे गिर जाए? वैसे तो बिल्डिंग तो पुरानी हो चुकी है, लेकिन बरसात में कभी कभार होता है कि कुछ टपकता है हल्का फुल्का, लेकिन ऑल टुगेदर वैसी दिक्कत नहीं हुई है कि कभी कोई झड़के गिर गया हो, ऐसा जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसको रिनोवेशन की जरूरत है जिसके लिए कार्रवाई अभी चल रही है। हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद स्थित आश्रम गृह में एक किशोरी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया है। बीती 22 मई की शाम को वैशाली पुत्री जगदीश प्रसाद घर से लापता हो गई थी। किशोरी के भाई की शिकायत पर बहादुराबाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। हालांकि बहादुराबाद पुलिस और परिजनों ने किशोरी को सहारनपुर जनपद के देवबंद से बरामद कर लिया था। किशोरी के घर जाने से इनकार के बाद उसे रावली महदूद के आश्रम गृह में भेज दिया गया। काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो शक होने पर कमरे में लगी जाली से अंदर झांक कर देखा गया तो आश्रम संचालक हैरान रह गए। पुलिस की मौजूदगी में दरवाज़ा खोला गया। थाना प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार उनियाल ने बताया कि शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, बोंगला गांव की निवासी एक लड़की वैशाली जो कि 17 साल की थी, जगदीश जी उनके पिता का नाम है, वो अपने घर से गायब हुई तो अज्ञात के विरुद्ध हमारे थाने में केस दर्ज हुआ था। हमारी पुलिस ने तहकीकात की और देवबंद पुलिस के सहयोग से हमें वो लड़की अगले ही दिन 24 तारीख को मिल गई थी। इसके बाद उसकी काउंसलिंग कराई गई, उसके माता पिता के साथ जाने के लिए उसे कहा गया तो उसने मना कर दिया कि 164 के बयान में उसने ये कहा कि वो अपने माता पिता के साथ नहीं जाना चाहती है और किसी भी आधार पे नहीं जाना चाहती है मम्मी पापा के साथ। तो हमने उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश की, फिर बाल कल्याण समिति के समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया।
खबर उत्तराखंड से है, जहां अल्पसंख्यक के द्वारा विकास भवन सभागार में हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के संबंधित अधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ विकास कार्यों एवं अन्य विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की गई। राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने जिले के तमाम अधिकारियों से विकास और योजनाओं के बारे में जानकारी ली और विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा और स्कूलों में उर्दू टीचर्स की भर्ती को लेकर ब्यौरा मांगा। समीक्षा बैठक में न आने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा है, जिन लोगों को विभाग में भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो ऐसे अधिकारिता विभाग में बैठने का कोई औचित्य भी नहीं है और उन्हें संबंधित विभागों से हटाया जाएगा। विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में राज्य मंत्री के द्वारा एक हफ्ते के भीतर विकास का ब्यौरा जो है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जो व्यक्ति जिन योजनाओं के बारे में नहीं जानता उसका प्रचार प्रसार भी फ्री में होगा। दूसरा, स्कूलों के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में जो भी योजनाएं चल रही हैं वीडियो को जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने बता दिया, उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अगली बैठक में पूरी तैयारी से आएँ। एक सप्ताह के अंदर हमने सारी रिपोर्टें डाटा मांगा है, वो हमारे आयोग में डाटा मिलेगा हमें। और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, हम कतई इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये विकास का काम है, ये उन व्यक्तियों को लाभ देने का काम है जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो रात दिन ये सोचते हैं कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम बैठे हुए व्यक्ति को पहुँचना चाहिए। खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां देवप्रयाग विधानसभा के कीर्ति नगर ब्लॉक के अध्यापक पर छात्रों से जाति सूचक व अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। इस संबंध में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ उत्तराखंड युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव ने कीर्ति नगर थाने में शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उनका आरोप है कि खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा केवल शिक्षक का तबादला कर मामला निपटा दिया गया। संगठन ने थाना प्रभारी कीर्ति नगर से अध्यापक पर SC/ST मुकदमे के तहत कार्रवाई की मांग की है। उप जिलाधिकारी सोनिया पंत का कहना है, मुझे ग्राम सभा प्रधान द्वारा बताया गया था और मैंने उस समय वहां पर निरीक्षण भी किया था और आगे भी कार्रवाई होगी। वहीं प्रदेश महासचिव श्रीकांत का कहना है, अब ये मामला ग्रामीण का नहीं है, ये मामला अब समाज का है। जब तक टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। मुझे जो मंगसू है वहाँ के जो ग्राम प्रधान है श्रीमती दीपिका जी, उनका फोन आया था और उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था इस बारे में कि वहाँ पर जो अध्यापक है उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों के साथ। तो मैं तुरंत संज्ञान लेते हुए वहाँ पर गई थी। वहाँ पर पेरेंट्स जो थे, अभिभावक थे जो बच्चों के, वो भी उनको बुलवाया गया। प्रधान भी आई थी वहाँ की और टीचर थे, उनसे भी पूछताछ की गई थी। तो जो वहाँ के अध्यापक थे, यद्यपि उनके द्वारा तो नहीं स्वीकार किया गया कि उन्होंने इस तरह का कोई जाति सूचक शब्दों का प्रयोग या किया गया है या कोई अभद्र व्यवहार किया है, परंतु वहाँ पर ग्राम प्रधान और अभिभावकों का ये कहना था कि इनके द्वारा बच्चों से ऐसा कुछ कहा जरूर जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है। तो वो चाह रहे थे कि जो वहाँ के अध्यापक है उनका स्थानांतरण वहाँ से हो जाए। तो उनका स्थानांतरण मेरे द्वारा जो इसमें जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया था तथा संस्तुति की गई थी और BO जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी उनको भी ये पत्र की कॉपी गई थी। श्रीकांत जी का ज्ञापन मुझे आया था 23 तारीख की शाम को, मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ। तो 24 तारीख को मैं वहाँ पर मंगसू में गया था। मुझसे पहले उप जिलाधिकारी महोदय भी वहाँ पर गई थी 23 तारीख को। तो मेरी 24 तारीख को जो मैं विद्यालय में गया था उसमें वहाँ विद्यालय के जो प्रधान थे वो भी उस गाँव के प्रधान भी उपस्थित थे। फिर मेरी बातचीत वहाँ पर जो विद्यालय में कार्यरत भोजन माताएं हैं, दोनों अनुसूचित जाति की भोजन माताएं हैं, और विद्यालय के जो वर्तमान SMC अध्यक्ष हैं महिला हैं, और विद्यालय के पूर्व SMC अध्यक्ष हैं वो भी आए थे, और इसके अलावा जो ग्रामीण लोग थे वो भी आए और 2-3 अभिभावक भी आए थे। तो मेरी भोजन माताओं से और जो SMC अध्यक्ष हैं उनसे बात हुई, तो उन्होंने इस तरह से इनके शिक्षकों के व्यवहार के बारे में कोई ऐसी शिकायत ऐसी बात नहीं की। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा इनका व्यवहार है और हमें बिल्कुल इस तरह का यकीन भी नहीं है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कैंप संचालक मनोज सिंह ने उनके कैंप के समीप एकलव्य कैंप संचालक पर उनके कैंप
शिबालिक ओडिशी में आकर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। मनोज सिंह ने बताया कि विरोध करने पर उनके कर्मचारियों द्वारा उनको जान से मारने की कोशिश की गई। उनके द्वारा किए गए जानलेवा हमले में मनोज सिंह के कर्मचारी यशपाल नेगी, रमन सिंह, देवेश सिंह व मुकेश सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार राजकीय अस्पताल ऋषिकेश में चल रहा है, जिनमें से यशपाल सिंह की मौत हो चुकी है। घटना में नामजद तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रात्रि चेतक पर तैनात दो सिपाहियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। तड़के गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों द्वारा संदिग्ध हालत में घूमते दो बदमाशों को जैसे ही दबोचा, पीछे से आए उनके दो अन्य साथियों ने पुलिसकर्मियों पर ही जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में दोनों सिपाहियों को गंभीर चोटें आई हैं। इनमें से एक की गंभीर हालत को देखते हुए हेयर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने हमला करने वाले चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। खबर बाजपुर से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने एक युवक को लाठी डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। युवक की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पर आसपास के स्थानों के साथ भारी संख्या में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं घटना से गुस्साए लोगों ने कोतवाली में जमकर हंगामा किया और आरोपी युवकों को पकड़ने की मांग की है। लड़कों का जो गुट है उसमें दो गुट हैं आपस में, और उनका कुछ झगड़ा हुआ और उसी में जो है डंडों से उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें जो है एक जो लड़का है विशाल काम्बोजे की युवक है, उसकी जो है मृत्यु हो गई है। तो बॉडी को जो है पीएम के लिए भेज दिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई हो रही है और इसमें जितने भी अभियुक्त हैं वो चार पाँच हमारे पास जो प्रकाश में आए हैं, तो उसमें से लगातार हमने उसमें टीमें बनाकर SOG को भी शामिल करके गिरफ्तारी के लिए भेज दी हैं और तुरंत ही इसमें सभी की गिरफ्तारी होगी। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री धाम में एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं दोनों धामों में मौत का आंकड़ा जो है 24 के पार पहुंच गया। धाम में एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यहां मौत का आंकड़ा 20 हो गया है, जिसमें से दो तीर्थयात्रियों की मौत चोटिल होने की वजह से हुई। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। कुछ दिन ऐसे होते हैं व्हेन आई लव माय जॉब, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि आई हेट इट। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी, पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा, देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या सरकार की अव्यवस्थाओं की पोल खोल रही है। सरकार बार बार कह रही कि उन्हें इतनी भारी भीड़ का अंदेशा पहले से था, फिर भी सरकार की व्यवस्था नाकाफी है। यात्रा शुरू होने से पहले तक यात्रियों की संख्या को लेकर कोई भी एडवाइजरी जारी
नहीं की गई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित कर दिया। भीड़ का आलम यह है कि सरकार को यात्रा पंजीकरण बंद करना पड़ा, क्योंकि 31 मई तक के लिए यात्रियों ने अपने पंजीकरण करा लिए हैं। बावजूद इसके ऋषिकेश में फर्जी तरीके से पैसे लेकर साइबर कैफे संचालक यात्रियों को ठग रहे हैं। चारधाम यात्राओं की बंद इंतजामी को लेकर हमारी आज की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में कोविड के कारण दो साल स्थगित रही चारधाम यात्रा इस साल रिकॉर्ड स्तर पर है। यात्रा का आज 24वां दिन है और अब तक चार धामों पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। चार धाम में यात्रियों के रहने, खाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था कम पड़ रही है। सरकार को शायद अंदाजा नहीं था कि श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर सैलाब बनकर आएगी। यात्रा के बीच सरकार ने पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया, साथ ही दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को भी सीमित कर दिया गया। श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का कहना है कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से व्यवस्था खराब हो रही है। यात्रा पर स्वास्थ्य सेवाएं भी वेंटिलेटर पर नजर आ रही हैं। अब तक यात्रा में 80 श्रद्धालुओं की मौत की खबर सामने आ रही है, जिनमें केदारनाथ में 40, बद्रीनाथ में 12, गंगोत्री में 6 और यमुनोत्री में 22 श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा सामने आया है। सरकार का कहना है कि जो श्रद्धालु पहले से बीमार हैं और वह डॉक्टर की सलाह के बिना यात्रा करने आ रहे हैं, ऐसे श्रद्धालुओं की ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत हो जाती है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से बहुत ज्यादा भीड़ इस बार हमारी यात्रा के दौरान हमें देखने को मिल रही है, बहुत करने के बाद भी यात्री जो है पूरी तरह से मन बनाए हुए कि उनको यात्रा करनी है। तमाम बैरियर्स लगाने के बाद, तमाम उनके लिए रजिस्ट्रेशन और तमाम चीज़ों कहने के बाद, यात्री उसके बावजूद धाम पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। पार्किंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जहाँ जहाँ भी है बहुत ओवरलोड है और ट्रैफिक की स्थिति यह है कि जो बसेज चल रही हैं उसके साथ साथ लोग अपने वाहनों से भी आ रहे हैं, तो यानी कि यात्रा मार्ग पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट सीजन की तरफ है और जैसे हमारे यहाँ उपचुनाव उस तरफ है, ये सारी बातों को देखते हुए जो फीडबैक मिल रहा है आने वाले टाइम में ये संख्या जिस प्रकार से अभी और बढ़ने की संभावना लगती है, तो ये सारी चीज़ों पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इस चारधाम को भी व्यवस्थित करें और आने वाले टाइम पे इससे इसके मद्देनज़र और भी हमारे जो भी विषय हैं वो इसी आधार पर हम उसके आगे उसके लिए हम आगे बढ़ें। श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना पंजीकरण को लेकर करना पड़ रहा है। जो यात्री बिना पंजीकरण कराए यात्रा में पहुंचे हैं, उनसे रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद भी साइबर कैफे संचालक पैसे लेकर पंजीकरण कर रहे हैं। पंजीकरण होने के बाद यात्रा की शुरुआत ऋषिकेश से होती है, जहां पर कई श्रद्धालुओं के पंजीकरण को चेक नहीं किया जाता और यह श्रद्धालु रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस प्रशासन की टीम यात्रियों के पंजीकरण को चेक करने के बाद आगे जाने के श्रद्धालुओं को अनुमति दी जाती है। लोग खड़े हैं भद्रकाली चेक पोस्ट पर, ये इसलिए क्योंकि जो पंजीकरण है वो अनिवार्य है। जो भी श्रद्धालु ऋषिकेश पहुंच रहा है और यहां से चारधाम यात्रा करने के जा रहा है उसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उसको चेक करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो यात्रा करने यहां से श्रद्धालु जा रहे हैं वो कौन सी डेट में यहां से निकल रहे हैं, क्या उस डेट का इनके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ये यहां पर कोई चेक नहीं कर रहा है। कुछ जो यात्री है यहां से निकल रहे हैं उनसे ही जानते हैं कि क्या उनका रजिस्ट्रेशन चेक हुआ। यहां पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम कुमार शर्मा है, राजस्थान से। आपका जो पंजीकरण हुआ है तो वो चेक हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर चेक नहीं हुआ, जोड़ नहीं हुआ। अच्छा, तो आप यहाँ से यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, कितने लोग हैं यहाँ से? हम तो 41 आज रवाना हो रहे हैं। आज रवाना। क्या क्या चेक किया यहाँ पर? रजिस्ट्रेशन बनाया है और हमारी पूरी पैसेंजर लिस्ट पूरी एक गाइड के एक ही ग्रुप के चल रहे हैं, पूरी बस का एक ही ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर चेक नहीं हुआ? नहीं। देखिए यही स्थिति है क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है, अपने चरम पर है, धाम फुल हो चुके हैं, बावजूद उसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए 4 से 5 दिन जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर रुक करके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन चेक नहीं हो रहा है। ये इसलिए भी है क्योंकि बीते रोज साइबर कैफ़े के द्वारा मनमाने तरीके से पैसे लिए जा रहे थे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा था, लेकिन उन रजिस्ट्रेशन को जो डेट में हो रहा उस डेट का चेक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा,
लेकिन इस तरह की व्यवस्था भद्रकाली चेक पोस्ट पर नहीं दिखाई दी। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी महज 70 किलोमीटर के लगभग है, यानी मंदिर के बहुत करीब पहुंचने के बाद जिन यात्रियों के पास पंजीकरण होता है तो वह दर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जबकि जिन यात्रियों के पास पंजीकरण संख्या नहीं होती उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। बोले थे 100 रुपया लेके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि वो सही है गलत हमको तो पता नहीं ना, अंदर भी हो रहा है सही गवर्नमेंट होना चाहिए होता है, हमको पता नहीं, बोल रहे कि 100 रुपये में हो जाएगा आपको। और वह तो हमको आप पूछने गए थे कि वो कौन आदमी कौन, हमको जाता पता नहीं, वो बोले थे इसलिए हम देते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैसे चंद्र साहू है। कहाँ से है? उड़ीसा से है। सर आप बताइए क्या हुआ? हाँ हम लोग यहाँ आए थे घूमने के लिए, चार धाम जाने के लिए आए थे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हुए थे, बाहर चाय पीने के लिए गए थे, बाहर से पुस्तक कर रहे थे, एक बंदे ने बताया कि बाजू में हो जाता है ऑनलाइन, 150 रुपया लेता है एक आदमी का, हम 5 जने हैं बस पूछने आए थे, तो वहाँ पे पता लगा कि वो फर्जी हो रहा है, यहाँ में गवर्नमेंट का फ्री हो रहा है, वहाँ पे फर्जी हो रहा है। चेकिंग जो है अभी हम लोग नीचे ही करेंगे, कुछ हद तक लोगों ने ये कहा था कि हम लोगों की वहाँ पर ऊपर बुकिंग है या हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग है, हम लोगों को अनुमन्य कर लिया जाए, उसके चलते कुछ लोगों को वहाँ पर भेजा गया था, लेकिन ये भी चीज़ निदर्शन में आ रही है कि जब यात्री चल रहे हैं तो यात्री रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं बद्रीनाथ का, लेकिन वो लग रहे हैं केदारनाथ की कतार में। कभी जो है यात्री राफ्टिंग जाएंगे करके कह रहे हैं और ब्यासी वगैरह में रुकने की बजाय वो जो है आगे की तरफ भी जा रहे हैं, तो ये जैसे जैसे हम लोगों को भी सूचना प्राप्त हो रही है उस तरीके से हम लोग हमारा चेकिंग जो है उसको और गहनता से कर रहे हैं, इंटेंसिफाई कर रहे हैं, और अभी आने वाले समय में उसको बहुत कम लोग ऐसी संभावना बनी रहेगी कि इस तरीके का कुछ अन्यथा मार्ग निकालते हुए यात्री धाम पर पहुंच जाएगा। और ये ज़्यादा दुर्भाग्य की बात हो जाती है कि यात्री इतनी मेहनत करके जो है अपने पड़ाव तक लगभग पहुंच जाता है और तब उसको जो है वो दर्शन से वंचित होना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति न आ जाए इसलिए जो है प्रशासन को भी ख्याल करने की आवश्यकता है। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हो रही परेशानियों को लेकर विपक्ष लंबे समय से सवाल उठा रहा है। विपक्ष पूरे मुद्दे को चुनाव से जोड़ रहा है और कह रहा है कि सरकार का सारा फोकस उपचुनाव पर है, ना कि चार धाम यात्रा पर। मुझे लगता है कि सरकार अपनी नाकामयाबियों को, अपनी कुव्यवस्थाओं को छुपाने के लिए हर बार भीड़ का सहारा लेती है, चाहे वो वैक्सीनेशन के ड्यूरेशन की बात हो। जब कांग्रेस सवाल उठाती थी तो सरकार हमेशा ये कहती थी कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए वैक्सीनेशन में दिक्कत हो रही है, और अब ये चारधाम यात्रा, देखिए चारधाम यात्रा का श्रेय लेना या चारधाम यात्रा में भीड़ का श्रेय लेना ये किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता, क्योंकि चारधाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो हमेशा से आदिकाल से चलती आ रही है और ये चलती रहेगी। अब आप क्योंकि हारे हुए मुख्यमंत्री को कहाँ से चुनाव लड़ाना है इसमें बिजी रहे, फिर जब पता चल गया कहाँ से चुनाव लड़ाना है, पूरी सरकार हो या संगठन हो सब चंपावत बैठे हैं, आपको श्रद्धालुओं की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। उत्तराखंड का मान, स्वाभिमान और सम्मान है चारधाम यात्रा, क्योंकि पूरे विश्व में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है चारधाम यात्रा, लेकिन सरकार ने उत्तराखंड की जो साख है उसको गिराने का कार्य किया। यात्रा में आने वाली भारी भीड़ को लेकर सरकार का कोई भी रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार इजाफा होने वाला है। सरकार को जरूरत है कि वह जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करे ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। के न्यूज़ इंडिया के लिए ऋषिकेश से बसंत कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। और उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।